का हरदम जगमगाता हुआ एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुका है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमारे बीच जिंदा है। उनकी यादें जो हमारे दिलों में बसी हुई हैं, और ये यादें हर किसी की आंखों को नम कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेजेडी किंग लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब के बारे में। बीते कल 7 जुलाई सुबह 7:30 पर मुंबई के पीडी हिंदुसा हॉस्पिटल में दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके निधन की जानकारी दी उनके पारिवारिक दोस्त फैजल फारूकी ने। दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल अकाउंट से इस दुखद खबर को साझा किया गया। जैसे ही ये दुखद समाचार आया कि दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं, पूरे देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हमेशा ही दिलीप कुमार के चेहरे पर मुस्कान रहा करती थी, और वो प्यारी सी मुस्कान हर किसी के मन को मोह लिया करती थी। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले दिलीप कुमार आज हम सभी को रुला कर जा चुके हैं। हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई दिलीप कुमार को याद करते हुए नजर आ रहा है। बता दें आपको कि दिलीप कुमार की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि सायरा बानो ने पत्नी धर्म को बखूबी निभाया। दिलीप कुमार की अंतिम समय तक उन्होंने उनकी सेवा की। सायरा बानो हमेशा ही दिलीप कुमार का खास ख्याल रखती रही। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए अपने सभी कामों को छोड़ दिया और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी, लेकिन यूं अचानक से दिलीप कुमार उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। सायरा बानो बेसुध हो चुकी हैं, गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। सायरा बानो की ये दर्द भरी स्थिति हर किसी को रिपीट वही सायरा बानो की ये दर्द भरी हालत हर किसी की आंखों को नम कर रही है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सायरा बानो और दिलीप कुमार के प्यार के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे, और ये प्यारी सी जोड़ी आज भी अपने प्यार को लेकर काफ़ी मशहूर थी। प्यार की मिसाल देती हुई नजर आती थी सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी, लेकिन आज ये जोड़ी टूट चुकी है। इस लव स्टोरी का अंत हो चुका है। सायरा बानो अकेली रह चुकी हैं और दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इस दौरान देखा जाए तो सायरा बानो और दिलीप कुमार की जिंदगी से जुड़े कई राज खुल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की एक भी बच्चा नहीं है। जिंदगी भर बिना बच्चों के वह रहे हैं, और सायरा बानो और दिलीप कुमार अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपने बच्चे ना होने के दुख को बयां करते हुए नजर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से दिलीप कुमार की एक उस इंटरव्यू के बारे में जो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जिस तरह से दिलीप कुमार ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे प्रोफेशनल करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में। वहीं अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कई बार अपने दर्द को भी छलकाया, और जब उनसे इंटरव्यू में उनके बच्चे को लेकर सवाल पूछा गया, उस दौरान दिलीप कुमार ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बीते 7 जुलाई की सुबह दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं दिलीप कुमार के गुजर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं दिलीप कुमार से जुड़े कुछ राज के बारे में। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो से बेहद प्यार करते थे, और अब वह सायरा बानो को अकेले छोड़कर जा चुके हैं। दिलीप कुमार सायरा बानो को बेहद प्यार करते थे, वहीं सायरा बानो भी। सायरा बानो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं, और दिलीप कुमार के गुजर जाने से वह गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। इस प्यारी सी जोड़ी ने हमेशा ही अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर लोगों का दिल जीता,
लेकिन अब ये प्यारी सी जोड़ी टूट चुकी है। इस लव स्टोरी का अंत हो चुका है। बता दें आपको कि दिलीप कुमार और सायरा बानो साल 1966 में 11 अक्टूबर के दिन शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को तकरीबन 55 साल हो चुके थे। 55 साल में अपनी शादीशुदा जिंदगी में दिलीप और सायरा ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई दुखों का सामना किया। वहीं जिंदगी भर दिलीप कुमार और सायरा बानो पेरेंट्स नहीं बन सके। जी हाँ, उन्हें बच्चे का सुख नसीब ही नहीं हुआ और इसको लेकर दिलीप कुमार से कई बार सवाल भी पूछे गए। दरअसल बता दें आपको कि कई बार ऐसी खबरें छपी कि सायरा बानो माँ नहीं बन सकती। दिलीप कुमार ने लिखा अपनी बायोग्राफी में, यह सब गलत था। अपनी बायोग्राफी में दिलीप कुमार ने उस राज का खुलासा किया कि आखिरकार सायरा बानो और वह पेरेंट्स क्यों नहीं बन पाए। लेकिन इसी के साथ साथ दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू में अपने दर्द को भी छलकाया, बयां किया कि उन्हें बच्चे का सुख नसीब नहीं हुआ है और वह बिना बच्चे के किस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं होता? दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू के जरिए अपने दर्द को बयां किया। बता दें आपको कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, सच ये है कि सायरा बानो साल 1972 में प्रेग्नेंट थी। 8वें महीने में उन्हें मिसकैरेज हो गया और बाद में पता चला कि वह लड़का था। यह सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ था और सायरा बानो उसके बाद फिर कभी माँ नहीं बन पाए। वहीं दिलीप कुमार से बहुत बार सवाल पूछा गया कि क्या इस बात को लेकर वह नाखुश हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं, और उस दौरान दिलीप कुमार ने कई जवाब दिए। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, अगर हमारे अपने बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है। भगवान ने हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे दिए हैं। जब हम यंग थे तो मेरी बहनों के बच्चे हमारे घर आया करते थे और हम लोग उनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। उनके साथ रहकर हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। वहीं दिलीप कुमार ने बताया कि उनके परिवार में कितने बच्चे हैं। दिलीप कुमार अपने परिवार के सभी बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उनके यहाँ पर जब भी ये सभी बच्चे रुकते थे, सभी लोग बैडमिंटन खेला करते थे और उसके अलावा भी कई सारे गेम्स खेला करते थे। वहीं बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए और अब उनकी मुलाकात कभी कभार ही हुआ करती थी। दिलीप कुमार ने लिखा कि अगर हमारे बच्चे होते तो उन्हें भी सपनों को पूरा करने के लिए हमसे दूर जाना पड़ता। उनसे भी साल में एक दो बार ही हमारी मुलाकात होती, इसलिए हमें अफसोस नहीं है। बहुत ही इमोशनल होकर दिलीप कुमार ने बताया कि वह बहुत कम उम्र में ही अपने छोटे भाइयों और बहनों के पेरेंट बन गए थे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी जिससे कभी दुख भी होता था तो कभी खुशी भी मिलती थी। मेरी 6 बहनें और 5 भाई हैं। मैं पठान हूँ और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना, उन्हें खुशी देने में हमें गर्व महसूस होता है। वहीं दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू में अपनी लेगेसी को लेकर भी खुलासा किया कि उनकी लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं पहले से ही उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा चुके हैं। मैंने अपने दौर में जो काम किया उसे कई सारे एक्टर्स आगे लेकर जा चुके हैं। जब कोई एक्टर मेरे पास आकर कहता है कि वो मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इस तरह से दिलीप कुमार ने अपने बच्चे को लेकर अपने दिल के दर्द को बयां किया। दिलीप कुमार ने बताया कि कैसे वह इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं। बता दें आपको कि बॉलीवुड की किंग खान के साथ दिलीप कुमार का बहुत ही गहरा लगाव रहा है। दिलीप कुमार और सायरा बानो
शाहरुख खान को अपना बेटा मानते हैं। अपने एक इंटरव्यू में सायरा बानू ने कहा था कि हमारा बेटा होता तो शाहरुख जैसा होता। लेकिन आज दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं और उन्हें कभी भी एक पिता बनने का सुख नसीब नहीं हुआ, वहीं सायरा बानू को माँ बनने का सुख, इस सुख से वह वंचित रह गए। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से दिलीप कुमार ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। दिलीप कुमार ने कहा कि उनके घर में पहले से ही इतने बच्चे हैं तो उन्हें इस बात का कभी भी अफसोस नहीं होता। दिलीप कुमार जिंदगी भर बिना बच्चों के रहे और अब सायरा बानू अकेली रह चुकी है। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाई। हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा ही दिलीप कुमार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दिलीप कुमार मशहूर हुए ट्रेजेडी किंग के नाम से और द फर्स्ट खान के नाम से, और हमेशा हमेशा ही दिलीप कुमार लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।